ऑल गाइस, तो कैसे हैं आप सब। आज हमें सीखना है अपने साइंस 2 चैप्टर नंबर 1 हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन का पार्ट नंबर 2 में बहुत सारे इंफॉर्मेटिव चीजें लाइक ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलेशन, ये सारी तीनों टॉपिक्स क्या हैं, बहुत ही डीप में हम लोग सीखेंगे और एक एक चीज धीरे धीरे आपको सब बताऊंगा। ये है हमारा छोटा सा प्यारा सा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है न्यू इंडियन एरा, और आपको इसे सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को दबा लेना है जिससे कि आपको नई नई अपडेट्स रोज मिलती रहे जो भी मैं वीडियोस डालता हूं। गाइस, मैं आपको बता दूं कि इसके पहले हम लोगों ने अपनी बॉडी कैसी होती है, बॉडी के सारे जो पार्ट 1 वाला वीडियो था इस चैप्टर का, तो उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे हमारा जो बॉडी होती है उसके वो कैसे बनती है। देखो, आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, ये सब हमने पहले वाले पार्ट में पढ़ा था। ह्यूमन बींग्स की बॉडी, उसकी कैसे बनती है बॉडी, टिश्यूज होते हैं, टिश्यू कैसे बनते हैं, सेल से बनते हैं, सेल क्या होता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, तो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के अंदर जेनेटिक मटेरियल है, फिर जेनेटिक मटेरियल के अंदर हमने देखा था क्रोमोसोम्स क्या है, है ना, फिर क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम से हमारा डीएनए बनता है। आई होप आपने इन सारी वीडियोस को देखा होगा तभी आपको समझेगा। फिर ये डीएनए है, डीएनए किससे बनता है, न्यूक्लियोटाइड से बनता है जो कि एक नाइट्रोजिनस बेसिस होते हैं। फिर ये जो डीएनए होता है, ये डीएनए से किस तरीके से हमारा आरएनए बनता है, अब आज हम फिर से ये चीजें देखेंगे वापस से, ठीक है। फिर हमने देखा था कि हेरिडिटी क्या होती है, मतलब हेरिडिटी एंड हेरिडिटरी कैरेक्टर्स और इनहेरिटेंस क्या होता है, ये सब कुछ हमने इसके पहले वाले पार्ट में अच्छे से सीखा है। आज हमें बहुत ही इंफॉर्मेटिव चीजें सीखनी है, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन सीखना है। सो लेट्स बिगिन माय डियर, स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। देखो यार, जो ह्यूमन बींग्स होता है, ह्यूमन बींग्स जो भी होता है, इंसानों, इंसान जो होते हैं, इंसान काम करते हैं, इंसान क्या परफॉर्म करते हैं, वर्क परफॉर्म करते हैं, और वर्क परफॉर्म करने के लिए क्या चाहिए होता है, वर्क परफॉर्म करने के लिए ह्यूमन बींग्स की बॉडी को एनर्जी चाहिए होता है। और एनर्जी हमारी बॉडी को कहाँ से मिलती है, एनर्जी को हमारे बॉडी, जानते हो मतलब हमारी जो बॉडी में एनर्जी होती है ना, वो जानते हो क्या होता है, वो सिर्फ और सिर्फ या तो वो कार्बोहाइड्रेट होता है, मतलब रोटियां नहीं होती, अब ध्यान देना, कार्बोहाइड्रेट होता है, या तो वो प्रोटीन रहता है, सारी चीजें ध्यान से सुनना, प्रोटीन रहेगा, या तो फैट रहेगा, या तो वो लिपिड रहेगा, या तो कुछ भी विटामिन्स रहेगा, समझ रहे कि नहीं समझ रहे, ये सारी चीजें हमारी बॉडी को एनर्जी देती हैं। हाँ, अब हम इसके लिए क्या खाएंगे, अगर हमें कार्बोहाइड्रेट चाहिए तो हम रोटी खाते हैं, चपाती जिसे कहते हो, अगर प्रोटीन चाहिए तो हम राइस लेते हैं या मिल्क लेते हैं, समझ गया कि नहीं समझ गया, अगर ऐसे हमको फैट चाहिए तो हम ऑयली फूड खाते हैं, लिपिड चाहिए तो भी हम ऑयली फूड खाते हैं, विटामिन चाहिए तो वेरियस प्रोडक्ट्स होते हैं लाइक स्पिनच है, टमाटर है, ये सब कुछ खाते हैं। ये सब खाने से हमारी बॉडी में एनर्जी आती है, एनर्जी आती तभी तो हम वर्क करते हैं। लेकिन हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा जिस एनर्जी की जरूरत होती है ना, वो होता है प्रोटीन। वो क्या होता है हमारे बॉडी में, प्रोटीन होता है। तो ये जो प्रोटीन, वो किससे बनता है, तो ये जो प्रोटीन होता है ना, ये हमारा बनता है अमाइनो एसिड के छोटे छोटे मॉलिक्यूल से। किससे बनता है हमारा ये प्रोटीन, अमाइनो एसिड के छोटे छोटे प्रोटीन मतलब मॉलिक्यूल से। यानी कि अगर मैं आपसे बात करूं तो जैसे कि मान लो ये एक अमाइनो एसिड है, अमाइनो एसिड, अमीनो एसिड भी कोई कोई इसे कहता है, तो छोटे छोटे अमीनो एसिड इस तरीके से कंबाइन होते हैं एक साथ, छोटे छोटे अमीनो एसिड, बहुत सारे अमीनो एसिड एक साथ कंबाइन होते हैं, और ये सारे अमीनो एसिड क्या होते हैं, कंबाइन होकर जब एक बड़ा सा मॉलिक्यूल, अब देखो ये बड़ा सा मॉलिक्यूल बन गया ना, तो इस पूरे बड़े से मॉलिक्यूल को हम कहते हैं प्रोटीन। हम क्या कहते हैं, प्रोटीन। यानी कि हमारा प्रोटीन किससे बनता है, तो हमारा जो प्रोटीन है वो छोटे छोटे अमीनो एसिड से बनता है, समझ में आया क्या अच्छे से। लेकिन जब उसी छोटे छोटे अमीनो एसिड को कंबाइन करेंगे तो जो बड़ा सा मॉलिक्यूल रहेगा वो कहलाएगा हमारा प्रोटीन, समझ गया। और गाइस, जो ये पूरा प्रोसेस है यानी कि द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, इसी को हम कहते हैं प्रोटीन सिंथेसिस। इसे हम क्या कहते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस। क्या कहते हैं हम इसे, प्रोटीन सिंथेसिस। सिंथेसिस का मतलब होता है बच्चों, यहां पर समझना अच्छे से, सिंथेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। क्या होता है सिंथेसिस का मतलब, फॉर्मेशन। और प्रोटीन हमारे बॉडी में एक बहुत ही बड़ा एसेंशियल सब्सटेंस है, एक एनर्जी का मॉलिक्यूल जिसे हम बायो मॉलिक्यूल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसे हम लोग बायो मॉलिक्यूल भी आप कह सकते हो, बायो मतलब लाइफ और लाइफ का मॉलिक्यूल, समझ लेना, यही होता है हमारा प्रोटीन। और प्रोटीन सिंथेसिस को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं प्रोटीन सिंथेसिस मतलब प्रोटीन फॉर्मेशन। तो हमारी बॉडी में प्रोटीन बनता कैसे है, मतलब ये सब बनाने के लिए जानकारी चाहिए ना, कोई काम करना है तो उसके लिए इंफॉर्मेशन तो होना चाहिए ना यार, तो ये इंफॉर्मेशन कहां से आती है, ये जानकारी हमको कहां से मिलती है। अब हमारी बॉडी में प्रोटीन बनेगा तभी तो हमारी बॉडी में एनर्जी आएगी, अगर प्रोटीन ही नहीं बनेगा तो हमको एनर्जी किधर से मिलेगा, तो ऑब्वियस ही बात है। तो चलो देखते हैं कि हमारी बॉडी में ये प्रोटीन किधर से बनता है।
और इसको बनाने की जानकारी किसके पास होती है। तो जैसा कि मैंने आपको इसके पहले वाली वीडियो में सिखाया था कि हमारे बॉडी सेल से बनती है और सेल के अंदर क्या होते हैं, जेनेटिक मटेरियल, जिसे आप कह सकते हो कि उसके अंदर थे क्रोमोसोम्स, ठीक है, और उस क्रोमोसोम्स के अंदर क्या था, हमारा डीएनए था। तो ये जो डीएनए होता है ना माइडर, बहुत ही छुपा रुस्तम इंसान है, मतलब एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। डीएनए का फुल फॉर्म तो मालूम है ना, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, यहां पे लिख देता हूं, देखो डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। ये होता है डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए। ये क्या क्या स्टोर करता है, तो ये हमारी बॉडी में स्टोर ऑल द इंफॉर्मेशन कैरीज, ये क्या कैरी करता है, कैरीज इंफॉर्मेशन, कैरीज इंफॉर्मेशन, बताया था ना डीएनए कैसे लिखता है, ऐसे ऐसे, कैरीज इंफॉर्मेशन फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस यानी प्रोटीन बनाने की जो इंफॉर्मेशन है, कैसे प्रोटीन बनाना है, इसकी इंफॉर्मेशन किसके पास होती है, इसकी इंफॉर्मेशन हमारे डीएनए के पास होती है। किसके पास होती है माय डियर इंफॉर्मेशन, डीएनए के पास प्रोटीन बनाने की जानकारी होती है। डीएनए कहां होता है, हमारे बॉडी के सेल में रहता है, समझ गया, यानी डीएनए ही कैरी करता है सारी इंफॉर्मेशन को, समझ गया। फिर डीएनए बोलता है कि मुझे प्रोटीन बनाने की जानकारी तो पता है, लेकिन मैं जब मेरे को जानकारी पता है तो मैं जानकारी भी पता करूं और बनाऊं भी, ये अच्छी बात नहीं है। बोलता है मैं बॉस हूं, मैं नहीं बनाऊंगा कोई भी प्रोटीन सोटीन, प्रोटीन बनाने की जानकारी दे सकता हूं लेकिन मैं बनाऊंगा नहीं। तो ये क्या करता है डीएनए, अब डीएनए अपने बॉडी से, अब दिखा था ना इसके पहले वाले वीडियो में कैसे बनता है एक स्ट्रैंड को निकाल देने का, तो अपनी बॉडी से ये आरएनए का फॉर्मेशन करता है, क्या करता है, आरएनए का फॉर्मेशन, और बोलता है डीएनए बोलता है कि मैं आरएनए बनाता हूं और आरएनए को ही अपनी सारी जानकारियां इंफॉर्मेशन दे देता हूं, समझा, और डीएनए आरएनए को सारी इंफॉर्मेशन दे देता है और आरएनए सारी प्रोटीन को बनाने में मदद करता है। मतलब प्रोटीन का सिंथेसिस कौन करता है, आरएनए करता है, लेकिन जानकारी किसके पास होती है, डीएनए के पास, लेकिन डीएनए ने उस काम को किया नहीं, डीएनए ने आरएनए को सारी इंफॉर्मेशन दे देता है, यानी डीएनए खुद आरएनए बनाता है, समझ गया अच्छे से। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमारा डीएनए कितने कॉम्प्लीमेंट से बनता है, दो कॉम्प्लीमेंट से, ये दो कॉम्प्लीमेंट हमारे डीएनए के होते हैं, एक कॉम्प्लीमेंट दूसरा कॉम्प्लीमेंट, तो एक कॉम्प्लीमेंट अगर इसका निकाल दोगे तो वो आरएनए ही कहलाता है ना, एक साइड में, मैंने इसके पहले आपको दिखाया अभी तक नहीं दिखा, देखो इस तरीके से दो कॉम्प्लीमेंट डीएनए और इसमें से एक को निकाल दो तो ये हमारा आरएनए बनता है। पहले वाली वीडियो देखो कि नहीं देखे हो, पूरा देख लो जाके अच्छे से यार, पूरा समझ जाएगा, इतना डीप में मैंने समझाया है, पूरा देखोगे नहीं तो फिर पैसे भरो जाके क्लासेस में, पढ़ाई करो पैसा भर के 10-10, 20-20 हजार, यहां फ्री में दे रहा हूं तो नहीं चाहिए तुमको, और उनसे बेस्ट दे रहा हूं, 100-100% गुना अधिक दे रहा हूं, फिर भी नहीं, तो पढ़ो यार, पढ़ो, बहुत फायदा उठाओ, हेल्प कर रहा हूं, तुम्हारा भाई हेल्प कर रहा है, पढ़ लो, ठीक है। सो ये एक स्ट्रैंड जो है वो आरएनए के पास जा रहा है, मतलब ये आरएनए है, समझा। अब आरएनए दुनिया में ना तीन टाइप का होता है, ये भी आज जान लो। पहला होता है हमारा, यहां पे ध्यान देना अच्छे से, एमआरएनए, दूसरा होता है हमारा टीआरएनए, और इसके बाद होता है हमारा आरआरएनए, समझ गया अच्छे से। ये जो एमआरएनए है इसमें, इसको कहते हैं हम लोग मैसेंजर आरएनए, एम का मतलब होता है मैसेंजर, इसीलिए इसे हम कहते हैं मैसेंजर आरएनए। टी का मतलब होता है, यहां पे ध्यान देना अच्छे से, ट्रांसफर, यानी इसे हम कहते हैं ट्रांसफर आरएनए। और आर का मतलब होता है राइबोसोम, राइबोसोम एक चीज होती है, ऑर्गन होता है हमारी बॉडी के अंदर रहता है, तो ये राइबोसोमल आरएनए। अब एक चीज बताता हूं, जो डीएनए से आरएनए बना है ना यार, यहां पर ध्यान देना अच्छे से, ये जो डीएनए से आरएनए बना है ना, क्यों बनाना है हमको डीएनए से आरएनए, क्योंकि हमें प्रोटीन बनाना है, हमारी बॉडी में प्रोटीन चाहिए कि नहीं चाहिए, प्रोटीन किससे बनता है, अमाइनो एसिड से बनता है ना, तो यानी कि हम अगर अमाइनो एसिड बना देंगे तो हमारा प्रोटीन तो बाद में बन ही जाएगा, समझ गया कि नहीं समझ गया। तो जो हमारा अमाइनो एसिड है, हमको अमाइनो एसिड बनाना है, यानी प्रोटीन ही बनाना है, तो एक ही बात हो गई ना, अगर अमाइनो एसिड बना दिया तो अमाइनो एसिड से प्रोटीन बन जाएगा बाद में। तो अगर हमको अमाइनो एसिड बनाना है तो हमें डीएनए के पास उसकी जानकारी होती है, लेकिन डीएनए बहुत शातिर आदमी, वो बनाता नहीं है। डीएनए क्या करता है, सारी इंफॉर्मेशन आरएनए को देता है और आरएनए सारे काम को करता है, यानी कि डीएनए ने किसको बनाया, आरएनए को बनाया, यानी कि तो इसी प्रोसेस को कुछ तो कहते होंगे ना, डीएनए से जो आरएनए बना तो इस प्रोसेस को कुछ ना कुछ तो कहते रहेंगे कि नहीं कहते रहेंगे, ऑब्वियसली कहते रहेंगे। तो द फॉर्मेशन ऑफ, यहां पे ध्यान देना अच्छे से, द फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए, क्यों आरएनए को बनाना है फ्रॉम द डीएनए,
फॉर द पर्पस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इज नथिंग बट यहां पे लिख लेना इज नथिंग बट ट्रांसक्रिप्शन. क्या होता है ट्रांसक्रिप्शन? सो व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन? इट इज द फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम द डीएनए. इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम द डीएनए फॉर द पर्पस ऑफ. अब दुनिया में कोई काम होता है तो उसका पर्पस तो रहता है ना. तो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम द डीएनए फॉर द पर्पस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस यानी प्रोटीन बनाने के उद्देश्य के लिए डीएनए से जो आरएनए बनता है इसी की प्रक्रिया इसी के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इसी के प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं. ये 2018 के पेपर में एग्जाम में आया था 1 मार्क्स के लिए. समझा? समझ आ गया ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? पक्का सभी को समझ में आया ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? पक्का समझ गया अच्छे से? कोई डाउट किसी को? व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन? क्लियरली द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम द डीएनए फॉर द पर्पस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इज नथिंग बट ट्रांसक्रिप्शन. समझ गया अच्छे से? ये बातें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. मगर इस तरीके से 3 प्रोसेस होती हैं ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन ट्रांसलोकेशन. इनके बारे में हम जानना है. हमने ट्रांसक्रिप्शन के बारे में सीख लिया कि डीएनए से ही आरएनए बनता है फॉर द पर्पस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस और इसीलिए हमारा ये कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन. समझ गया? चलो अब आपको एक चीज बताता हूं. हमने देखा था कि हमारे जो डीएनए होता है जो डीएनए रहता है उसके पास ना, अब देखो एक चीज तो आपको समझ गई ना कि अभी क्या होता है हमारे पास डीएनए आरएनए मतलब रहते हैं दोनों. तो ये न्यूक्लियोटाइड तो सब में रहते हैं भाई, चाहे वो डीएनए हो चाहे आरएनए हो सब में रहता है. समझ आ गया नहीं? समझ गया? तो इस चीज को अभी मैं आपको यहां पे अच्छे से समझाता हूं जिससे कि आपको सब क्लियर हो जाएगा. ध्यान देना अच्छे से, ठीक है? देखो सपोज दैट हमारे पास यहां पे इस तरीके से कुछ एक डीएनए है. अब मैं देखो ये तो मैंने कह दिया कि द फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम द डीएनए, बट ये होता कैसे है, ये प्रोसेस कैसे होता है, ये अभी हमको समझना है. तो चलो इसको सिखाता हूं आपको. ये है हमारे पास डीएनए मॉलिक्यूल. ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है डीएनए मॉलिक्यूल. चलो थोड़ा छोटा बनाता हूं अच्छे से, ठीक है? ये है हमारे पास डीएनए मॉलिक्यूल, ठीक है? देखो अच्छे से आपके सामने मैं यहां पे डीएनए मॉलिक्यूल बना रहा हूं. दिस इज द डीएनए मॉलिक्यूल, ओके? इस तरीके से आपको समझ के रखना है. ये हमारा डीएनए मॉलिक्यूल है. फाइन, क्लियर पॉइंट? अंदर चार चार ही न्यूक्लियोटाइड आएंगे, चार से कम ज्यादा नहीं करने का, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है? चलो ये हमारा डीएनए मॉलिक्यूल है. दिस इज द डीएनए. अब देखो हम क्या करते हैं ना, हम इसमें से अगर मैं बीच वाले इस पार्ट को, इस पूरे पार्ट को अगर मैं ऐसा खींच के इसके बीच में फैला दूं, मतलब कि मैं इसको जानते हो कैसा कर दूं, यहां पे देखो जरा अच्छे से मैं करके दिखाता हूं. इसको मैं ऐसे कर दूं, समझ रहा है? अभी आई थिंक आपको समझ गया होगा. ऐसे कर दूं मैं, समझा कि नहीं समझा? ऐसे बीच में, तो यहां पर क्या होगा, कुछ जो अंदर के, देखो ये तो सब अंदर अंदर ऐसे ही रहेंगे अंदर, आई थिंक आपको समझ गया होगा. ये ऐसे ही रहने वाला है, समझा कि नहीं समझा? बीच में से मैंने इसको फैला दिया है तो ये ऐसे ही रहने वाला है अंदर, और बाकी का तो सिर्फ फ्रेम से इनक्लोज रहेगा. अब देखो क्या होता है ना कि जो हमारा सेल था, सेल के पास बहुत सारे ऐसे न्यूक्लियोटाइड होते हैं, इस तरीके से रियल में न्यूक्लियोटाइड होते हैं, यानी एडेनिन गुआनिन साइटोसिन जो रहता है, इस तरीके से बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड होते हैं. तो क्या होता है ना, ध्यान देना, यहां से हमारा न्यूक्लियोटाइड इधर से जाता है अंदर, और जाके देखो क्या करता है, यहां पे देखो एक ये मान लो ये न्यूक्लियोटाइड आया, ये उल्टा ऐसे आता है और इससे इससे कंबाइन होता है, फिर दूसरा वाला आएगा फिर इससे कंबाइन होगा, फिर तीसरा वाला आएगा वो इससे कंबाइन होगा, मतलब ऐसे कंबाइन होगा, ऐसे कंबाइन होते चला जाता है और यहां से निकल के आता है ये बाहर. यहां से जब बाहर निकल के आता है ना, तो देखो ये पूरा एक, देखो ये पूरा एक स्ट्रैंड बन गया ना, इस तरीके से पूरा स्ट्रैंड बन गया कि नहीं बन गया? ये देखो इस तरीके से बन गया पूरा स्ट्रैंड. समझ में आया क्या हो रहा है यहाँ पे? मतलब ये सब छोटे छोटे क्या थे? न्यूक्लियोटाइड थे. ये सब छोटे छोटे क्या थे? ये सबके सब ये क्या थे? न्यूक्लियोटाइड. ये बाहर बैठे थे. डीएनए के पास क्या है? इंफॉर्मेशन. वो इंफॉर्मेशन डीएनए किसको देगा? आरएनए को. इंफॉर्मेशन डीएनए किसको देगा? आरएनए को. क्या देगा डीएनए? आरएनए को इंफॉर्मेशन देगा. क्या देगा? डीएनए आरएनए को इंफॉर्मेशन देता है. समझा? तो वो इंफॉर्मेशन जब डीएनए से आरएनए लेगा तो भाई कोई ना कोई तो मेथड करेगा ना. तो क्या होता है ना कि यहां से जो छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड हैं वो घूम के जाते हैं डीएनए के अंदर, जब डीएनए फैल जाता है स्प्रेड होता है,
समझा। तो ये सारे न्यूक्लियोटाइड डीएनए के अंदर जाएंगे और सबके सब देखो ये जो इनके नीचे की पट्टी है जिसे हम स्ट्रैंड कहते हैं, ये सारा स्ट्रैंड से क्या हो जाएगा, ये कंबाइन हो जाते हैं। और देखो यहाँ पे देखो जुड़ गया, ये देखो जुड़ गया कि नहीं जुड़ गया, ये डीएनए वाले न्यूक्लियोटाइड से अपने आरएनए जुड़ गया कि नहीं जुड़ गया, और जुड़ करके सारी इंफॉर्मेशन हमारा आरएनए ले लेता है, और लेने के बाद देखो कुछ इस तरीके से फॉर्म करता है, लेने के बाद कुछ इस तरीके से फॉर्म करता है, और यही होता है हमारा आरएनए जिसे हम फिलहाल कहते हैं एमआरएनए। क्या कहते हैं जिसे हम लोग फिलहाल एमआरएनए कहते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ अच्छे से कि नहीं क्लियर हुआ? अब देखो मैं आपको एकदम और अच्छे से दिखाता हूं। देखो रियलिटी में कैसे है, कुछ इस तरीके से हमारा ये रहता है, समझ में आया क्या? कुछ ऐसे देखो आपको दिखाता हूं अच्छे से, देखो ये और ये देखो ऐसे, समझ में आया क्या? और अंदर हमारे ये रहते हैं न्यूक्लियोटाइड। अब जब बीच में फैला दिया तो इसमें ऐसे ऐसे हो जाएगा, बीच से टूट जाएंगे न्यूक्लियोटाइड सारे के सारे, जैसे कि देखो यहां पे कैसा देखो जुड़ा हुआ है, देखो जुड़ा हुआ है यहां पे टूट जाएंगे। फिर क्या होता है, अब देखो ये डीएनए के पास सारी जानकारियां हैं, ये सारे न्यूक्लियोटाइड ही तो होते हैं जो जानकारी रखते हैं अपने पास, है ना। तो अब बाहर क्या होता है, ध्यान देना अच्छे से, जो बाहर रहता है इस तरीके से हमारे बहुत सारे क्या रहते हैं, यहां पर बहुत सारे क्या रहते हैं हमारे पास, न्यूक्लियोटाइड रहते हैं। ये सारे न्यूक्लियोटाइड अंदर जाते हैं। अब देखो जैसे कि पहला न्यूक्लियोटाइड आया तो ये अपना न्यूक्लियोटाइड इससे जुड़ के इस तरीके से और सारी जानकारी ले लेगा। फिर दूसरा वाला आएगा तो ये ऐसे जुड़ के इससे इस तरीके से ले लेगा। फिर तीसरा वाला आएगा तो ये ऐसे जुड़ के इससे ले लेगा। फिर ये वाला आएगा ऐसे और लेगा, ऐसे और लेगा। इधर से न्यूक्लियोटाइड जाते रहेंगे और इधर से ये एमआरएनए ऐसे यहां से कुछ इस तरीके से निकलता रहेगा, समझा क्या? इस तरीके से यहां पे ऐसे निकल जाएगा। क्लियर हुआ? तो जो ये इंफॉर्मेशन जानकारियां डीएनए से लेकर के निकल रहा है इसी का नाम होता है एमआरएनए, ठीक है। दिस इज द ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, यही हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होता है। आपके बुक में भी ये चीज दी हुई है, यही बात मैं आपको यहां पे आपके बुक में समझाता हूं। देखो यहां पे देखो ये हमारा क्या है, देखो ये पूरा डीएनए है, आपको आई होप दिख रहा होगा पूरा डीएनए है। अब देखो डीएनए के पास अंदर देखो न्यूक्लियोटाइड दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, एडेनिन गुआनिन साइटोसिन, यही तो न्यूक्लियोटाइड रहता है ना। अब याद रखेगा तभी तो तुमको समझेगा, यही तुम्हारा न्यूक्लियोटाइड रहता है, ATGC जो यहां पे लिखा हुआ है, ये हमारा पूरा न्यूक्लियोटाइड है। अब देखो क्या हो रहा है, यहां पे देखो आरएनए के न्यूक्लियोटाइड जा रहे हैं कि नहीं जा रहे अंदर, देखो ये एक इधर पे गया, आपकी बुक में देखना ये एक और इधर पे गया। देखो अब ये नीचे वाला जो क्या है, नीचे वाले जो है ये किसके हैं, ये डीएनए के हैं, ऊपर वाला किसका, आरएनए का है। आरएनए वाला न्यूक्लियोटाइड आया, डीएनए से जुड़ गया, कंबाइन हो गया अच्छे से, कंबाइन होकर सारी जानकारियों को डीएनए से ले लिया आरएनए ने, और देखो यहां से निकल गया बाहर, समझा क्या, इस तरीके से। और यही प्रोसेस हमारा होता है ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, दिस इज द ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। समझ गया कि नहीं समझ गया? बस बीच में फैलता है ये, बीच में जो हमारा डीएनए है ये ऊपर नीचे से फैल जाता है, जिससे कि हमारे वो न्यूक्लियोटाइड आए और डीएनए से जानकारी लेकर के जाएं। अब जो जानकारी डीएनए को पता थी कैसे प्रोटीन बनाना है, तो उस भाई प्रोटीन नहीं बनाओगे तो एनर्जी कैसे मिली, तो प्रोटीन तो बनाना ही पड़ेगा ना, तो प्रोटीन बनाना है, वो डीएनए से किसके पास आ गई, आरएनए के पास आ गई। किसके पास आ गई वो जानकारी, अभी आरएनए के पास आ गई सारी जानकारियां, समझ गए कि नहीं समझ गया? अभी अब यहां पे जरा देखो जरा अच्छे से, अब यहां पे समझ के रखना, हमारे पास जो आरएनए थे कितने टाइप के थे, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए, डीएनए से सारी इंफॉर्मेशन आरएनए के पास आ गई, कौन से प्रोसेस की हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्ट कर लिया उसने। ट्रांसक्रिप्ट इंग्लिश का शब्द जानते हो क्या होता है, छाप लेना, कॉपी कर लेना, यानी कि आरएनए ने डीएनए के अंदर घुस के, कैसे घुस के, देखो इस तरीके से यहां पे आपको दिखा ना, अंदर ये सारे जितने भी यहां पे न्यूक्लियोटाइड दिया हुआ है, सारे न्यूक्लियोटाइड अंदर घुस के और डीएनए की सारी इंफॉर्मेशन को कॉपी कर लिए, और बाहर देखो निकल के आ गया क्या बन के, मैसेंजर आरएनए बन के, समझा, बाहर निकल गया। और ये है हमारा ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, इसी पूरे प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। किसी ने पूछा ये क्यों हो रहा है, बता देना ये प्रोटीन बनाने के लिए सब कुछ होता है, क्योंकि डीएनए सब कुछ नहीं करता ना, वो आरएनए से करवाता है, तो फिर जानकारी तो देगा ना आरएनए को, तो दे दिया जानकारी आरएनए को। अब सारी इंफॉर्मेशन किसके पास आ गई, आरएनए के पास आ गई, तो ये खत्म हुआ ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। अब देखो माय डियर, जो हमारा यहाँ पे मैसेंजर आरएनए बना ना, ये देखो जो हमारा यहाँ पे मैसेंजर आरएनए कुछ इस तरीके से बनता है, तो यहाँ पे क्या रहती है इसके ऊपर, ये देखो ये न्यूक्लियोटाइड रहता है, ये न्यूक्लियोटाइड है, और यही न्यूक्लियोटाइड सारी जानकारी स्टोर करते हैं, मतलब जो जितनी जानकारी बायोलॉजिकल कैरेक्टर, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, सब कुछ यही तो अपने पास रखते हैं। मैंने आपको पहले वाली वीडियो में दिखाया था कि नहीं दिखाया था, सब बताया था ना, याद है तो आबाद है, भूल गए तो बर्बाद है, याद रखा करो ना यार, ठीक है। तो सारी यहाँ पे जितने भी न्यूक्लियोटाइड है ना, ये सब न्यूक्लियोटाइड है। अगर माई डियर ये तीन तीन का सेट बना दूं इन सारे न्यूक्लियोटाइड का, इन्हें हम कोड कहते हैं। क्या होता है ये सब के सब, हमारा कोड, ये क्या होता है, कोड होता है, ये सब के सब क्या होते हैं, कोड होते हैं, समझ गया। देखो ये एक सिंगल जो है ना, इसे हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड,
क्या कहते हैं इसे हम लोग, न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। और न्यूक्लियोटाइड क्या रखता है अपने पास, इंफॉर्मेशन रखता है। क्या रखता है अपने पास, इंफॉर्मेशन रखता है। इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में रखता है, कोड के फॉर्म में, मतलब इनक्रिप्टेड इंफॉर्मेशन, छुपी हुई इंफॉर्मेशन, कोई जल्दी मतलब कि आपको जल्दी दिखेगी नहीं जानकारी, ये आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, मतलब जानकारी आपके पास ही है बट आप उसे देख नहीं पाओगे, मतलब छुपा के लिखी गई है जानकारी। हमारे इंफॉर्मेशन जो न्यूक्लियोटाइड है वो स्टोर रखते हैं, तो ये कोड होता है। अगर यही कोड जो दिया हुआ है, अगर तीन तीन का सेट, जैसे कि देखो यहां पे तीन तीन का सेट ग्रुप बना दूं मैं, तो इसे मैं कहूंगा कोडॉन। क्या कहूंगा, कोडॉन। कोडॉन प्लूरल वर्ड है, इंग्लिश में सिंगुलर और प्लूरल होता है, ये क्या बन जाएगा, कोडॉन बन जाएगा। और ये जो कोडॉन है, अगर ये कितने का सेट बना है, तीन तीन का, इसीलिए इसे मैं क्या कहूंगा, इसे मैं कहूंगा ट्रिपलेट, ट्रिपलेट कोडॉन। क्या कहूंगा मैं इसे, ट्रिपलेट कोडॉन, यानी ट्रिपलेट कोडॉन मतलब तीन तीन का सेट है ये, और ये सारी जानकारियों को स्टोर करता है अपने पास। समझ गया अच्छे से, तो ये होता है हमारा ट्रिपलेट कोडॉन, जो कि तीन तीन कोड का सेट होता है, यानी कि न्यूक्लियोटाइड ही है वो, तीन तीन न्यूक्लियोटाइड का सेट होता है, जिसे हम ट्रिपलेट कोडॉन कहते हैं। ये भी हमारी इंफॉर्मेशन को कैरी करता है। क्या 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 कैरी करता है, इंफॉर्मेशन को ये कैरी करता है। तो ये होता है एमआरएनए। सो माय डियर, आई होप आपको ये समझ गया होगा कि ये जो हमारा ट्रिपलेट कोडॉन क्या होता है, मतलब कोडॉन मतलब जस्ट ए कोड, जानकारी यानी कोड, इंफॉर्मेशन, समझा, कोड है, कोड फॉर्म में हमारी जानकारियां रहती हैं। समझ गया ना पक्का अच्छे से। चलो लेट्स बिगिन, आगे चलते हैं। तो ये था हमारा पूरा का पूरा एमआरएनए, दिस इज द एमआरएनए। अब हमको क्या करना है, अब हमें देखो ये जानकारी जो है ये पूरी कोडेड फॉर्म में है, मतलब डीएनए से आरएनए बन गया, ट्रांसक्रिप्शन हो गया, डीएनए ने सारी जानकारी आरएनए को दे दी, ये भी हो गया, मतलब कि डीएनए से आरएनए में सारी जानकारियां आ गई। अब वो जानकारी कोडेड फॉर्म में है, कोडॉन के फॉर्म में है। कैसे फॉर्म में, कोडेड फॉर्म में जानकारी है। कैसी है जानकारी, कोडेड फॉर्म में है। ये जानकारी एमआरएनए को समझ ही नहीं आ रही भाई करना क्या है। तो ये इसको जब जानकारी समझ नहीं रही है तो कैसे ये प्रोटीन बनाएगा, तो उसी के लिए हमारे आरएनए के तीन टाइप होते हैं। यहां पे कितने टाइप है ध्यान दो जरा अच्छे से, तीन टाइप है। पहला एमआरएनए था, उसने जानकारी ले ली डीएनए से आरएनए में घुस करके, ट्रांसक्रिप्ट कर लिया, कोडॉन बना दिया, सेट बना दिया तीन तीन का, यानी वही एडेनिन गुआनिन साइटोसिन रहते हैं वहां पर भी, ठीक है। अब हमारा आगे काम आएगा टीआरएनए, क्योंकि जानकारी एमआरएनए को समझ नहीं रही है। क्या थी जानकारी, उसने डीएनए से तो ले लिया लेकिन जानकारी क्या करनी है समझता ही नहीं है। तो आरएनए, पहला तो मैसेंजर आरएनए जिसने जानकारी लेकर के आया, अब टीआरएनए से क्या करेगा, जानकारी को समझेगा, ट्रांसफर आरएनए, कोड को पहले तो वहां से ट्रांसक्रिप्ट कर लिया, मैसेज कर लिया, अब क्या करेगा, ट्रांसफर आरएनए की मदद से जानकारी को ट्रांसफर करेगा। समझा कि नहीं समझा, चलो ध्यान देना कैसे करता है ये। तो उसके लिए माय डियर क्या होता है, एक ना दूसरा टीआरएनए होता है। अब देखो उस टीआरएनए को आपको समझाता हूं। अब देखो हमारे पास क्या रहता है, एमआरएनए होता है। ये एमआरएनए के पास सारे देखो इस तरीके से तीन तीन का कोड होता है, इस तरीके से तीन तीन का कोड, एक को समझा दूंगा सबका समझ आना, ऐसे बहुत लंबी लाइन होती है, अपनी पूरी बॉडी बहुत सारा होता है ऐसा, ठीक है। अब देखो तो टीआरएनए ही क्या करता है, सारी जानकारियों को पता करता है। देखो कैसे पता करेगा, ध्यान देना अच्छे से। तो टीआरएनए पहले मैं यहां पर स्ट्रक्चर आपको बना के देता हूं, मेरे को ज्यादा अच्छे से आता नहीं, ठीक है। चलो यहां देखो, ये हो गया हमारा टीआरएनए। टीआरएनए अपने पास हैकर को रखता है। अब देखो ये सब कोड है, ये लाल लाल जो यहां पे एमआरएनए में बना, दिस इज द एमआरएनए, ये हमारा एमआरएनए, अगर एग्जाम में बोला एमआरएनए बनाने, ये बना देना। तो एमआरएनए के ऊपर जो कोड है इसे हम कोडॉन कहते हैं, ट्रिपलेट कोडॉन, तीन तीन का सेट बनाया हुआ है। तो क्या होता है ना कि ये जो टीआरएनए है अपने पास एंटी कोडॉन रखता है, जैसे वायरस के लिए एंटी वायरस होता है, वैसे ये अपने पास क्या कैरी करता है, ये अपने पास एंटी कोडॉन रखता है। अपने पास ये क्या रखता है, एंटी कोडॉन। अब देखो ये क्या है, ये सारे सारे कोडॉन थे, देखो ये आपको समझना है। देखो ध्यान से, जो ब्लू वाला है ये स्ट्रैंड है, पता है ना कौन सा स्ट्रैंड, वही डीएनए वाला, और जो ये रेड में है यही हमारा क्या है, कोडॉन है। तो कोडॉन के अंदर जानकारी ही कैसे प्रोटीन बनाना है, जो कि डीएनए ने दी है आरएनए को, ये जानकारी समझ में नहीं आ रही है, इसलिए आरएनए ने किसको रखा है, टीआरएनए को रखा है, यानी ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए क्या करेगा, सारी जानकारियों को समझता है। तो ये जो डीएनए है, अब देखो ये जो हमारे पास यहाँ पे ट्रांसफर आरएनए है, अब देखो इसको कैसे फिट करते हैं, इसको ना कुछ, इसको पहले देखो छोटा करता हूं मैं, इसको क्या करना है, अभी देखो फिट करना है, ध्यान देना अच्छे से, इसको फिट करना है इस तरीके से। देखो उसके एंटी कोडॉन को तीन तीन कोडॉन्स में फिट कर देना है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। देखो ये इस तरीके से, समझ में आया, इस तरीके से यहां पे फिट कर देना होता है।
जब आप ऐसा फिट कर दोगे ना, देखो इस तरीके से आपको फिट कर देना है। और देखो ये सब जानते हो कैसे होता है, ये सब ना किसकी मदद से होता है, एक राइबोसोम नाम की चीज होती है। ये राइबोसोम भी इसी आरएनए के, मतलब जो एमआरएनए, इसी के ऊपर बैठा होता है। एक ऊपर रहता है, एक नीचे रहता है, मतलब समझ रहे हो, दो दो लोब होते हैं। ये ऊपर का लोब हो गया, यानी कि जिसे हम अपर लोब कहते हैं, ये आप नहीं लिखोगे एग्जाम में तो भी चलेगा। और ये नीचे का लोअर लोब होता है। देखो पूरा डीप में आपको समझा रहा हूं, पता भी है आपको, इतना डीप में कोई आपका टीचर समझा ही नहीं सकता, उसको कैपेसिटी नहीं होती है, ठीक है। तो ये हमारे राइबोसोम रहते हैं, ये सब राइबोसोम के अंदर छुप के काम होता है। तो देखो ये जो हमारा एमआरएनए है, उसमें टीआरएनए सारे कोड में तीन तीन का सेट बना बना करके आता है, समझ गया। और जैसी टीआरएनए आएगा ना, एंटी कोडॉन को ऐसे फिट कर देगा, मतलब ये हमारे कोडॉन है, ट्रिपलेट कोडॉन, ऊपर से ऐसे आएगा, फिट हो जाएगा। जैसे से फिट होगा ना, तो सारी इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करता है टीआरएनए अपने पास। और जैसे ट्रांसफर करता है, तो उसमें जानते हो अभी देखो डिकोड हो गया ना इंफॉर्मेशन, पहले कोडेड फॉर्म में था, अब वो डिकोड हो गया। समझा कि नहीं समझा अच्छे से? तो इसी को कहते हैं हम लोग, ध्यान देना अच्छे से, ट्रांसलेशन। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे आपको अच्छे से समझना है, जो कि बहुत जरूरी है। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसलेशन। मतलब कि जो हमारे टीआरएनए ने एमआरएनए के पास जो इंफॉर्मेशन थी, जिसे डीएनए ने दिया था एमआरएनए को, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, उस इंफॉर्मेशन को अब हमारा जो टीआरएनए है वो क्या करेगा, अपने पास कंज्यूम कर लेगा, अपने पास उसे स्टोर कर लेता है, समझ गया, यानी उसे ट्रांसफर कर लेता है। किसकी मदद से? ये जो इसके पास एंटी कोडॉन है, इसकी मदद से। ये क्या होते हैं? एंटी कोडॉन होते हैं। ये क्या होते हैं? एंटी कोडॉन। इन एंटी कोडॉन की वजह से जो कोडॉन के पास जो इंफॉर्मेशन, जैसे वायरस का उल्टा एंटीवायरस, वैसे कोडॉन का उल्टा एंटी कोडॉन। कोडॉन के पास जानकारी होती है, लेकिन वो दिखती नहीं है किसी को, अपने बॉडी के सभी सेल को किसी को दिखता नहीं है। तो एंटी कोडॉन क्या करेगा, उसकी इंफॉर्मेशन को डिकोड कर लेता है और जान जाता है कि क्या है ये जानकारी। और जैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया ये जानकारी जानता है ना, उसमें लिखा होता है किस तरीके से अमाइनो एसिड बनाना है। एक बार अगर अमाइनो एसिड बन गया तो हमारा प्रोटीन बन जाता है। चलो देखते हैं अब क्या होता है। तो दिस इज द ट्रांसलेशन। समझ गया ट्रांसलेशन क्या है? बुक में एक बार रीड जरूर करना मेरे वीडियो के बाद। व्हाट इज ट्रांसलेशन? समझ गया अच्छे से? द ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम एमआरएनए टू द टीआरएनए फॉर द पर्पस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इज नथिंग बट ट्रांसलेशन। चलो अब इसी प्रोसेस को अच्छे से आपको समझाता हूं, ध्यान देना अच्छे से। ये हो गया हमारा, यहां पर ध्यान देना अच्छे से, बहुत ज्यादा एकदम अच्छे तरीके से आपको समझा रहा हूं, ठीक है। देखो ये है हमारा, एक मिनट गाइस, एक मिनट। दिस इज दी एमआरएनए। इसके पास क्या रहेगा, आपको अच्छे सब समझा के दे रहा हूं, ठीक है, ध्यान से बस सुनना है आपको। ये हमारे पास क्या रहता है इस तरीके से, ये हमारे पास जो रेड में बना रहा हूं, ये न्यूक्लियोटाइड है, यानी कोडॉन है, जिसके पास जानकारी होती है हमारी बॉडी में कैसे प्रोटीन बनाना है। कहां से मिली थी इसे? इसे डीएनए से मिली थी। अब देखो ध्यान से यहां पे क्या होने वाला है। अब देखो यहां पे हमारे कौन आएंगे, हमारा जो यहां पे ये चीज था, मतलब आपको समझ गया होगा कि जो अपने पास सारी की सारी यहां पे टीआरएनए है, ये टीआरएनए यहां से निकल के आने वाला है। देखो वन मिनट, इस टीआरएनए को साइड में लेता हूं। और चलो भाई तुम अभी यहां पे आ जाओ, ठीक है। देखो आपको दिखाता हूं मैं सारी चीजें यहां पे, जो टीआरएनए है इसको मैं वहां पे उठा के लेता हूं इस तरीके से, और इसको यहां पे डाल देती है। देखो ये आ गया टीआरएनए। अभी टीआरएनए को मैं एक साइड में कहीं पे यहां पे डाल देता हूं, और इसके पास क्या करता हूं, इसके पास जो इसके एंटी कोडॉन है, इसको यहां पे इस तरीके से तीन तीन में सेट कर देता हूं। समझ गया? मैं किसी भी तीन पे ले सकता हूं, ऐसा सब में होता है, लेकिन ये किसके अंदर होता है, ये सिर्फ हमारे राइबोसोम के अंदर होता है। ये हमारे राइबोसोम के अंदर रहता है। ये हमारे किसके अंदर रहेगा? राइबोसोम के अंदर सब कुछ होगा। अब देखो जैसे ही ये रेड वाले से ब्लैक वाला, यानी कि एंटी कोडॉन ने, नीचे रेड वाला कौन है? कोडॉन है। रेड वाला कौन है? कोडॉन है, ठीक है। और ब्लैक वाला कौन है? एंटी कोडॉन है। जैसी एंटी कोडॉन ने सारी इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर कर लिया, यानी ट्रांसलेट कर दिया, सारी जानकारियां जो कोडेड फॉर्म में थी उसे ट्रांसलेट कर लिया। जैसे ट्रांसलेट किया ना, तो जानते हो उसमें क्या लिखा था? उसमें सिर्फ ये लिखा था कि अगर जिस राज्य, देखो कितना मतलब शातिर वाला दिमाग अपने बॉडी में, पूरा नक्शा जैसा है, थ्रिलर स्टोरी है पूरा। उसमें यह लिखा था कि जिस भी तुम लोग राइबोसोम में बैठ के अंदर ये ट्रांसलेट कर रहे हो, अगर उसी राइबोसोम को हम क्या करेंगे, तीन तीन के कोडॉन में, नॉट ऑन एंटी कोडॉन, तीन तीन के कोडॉन में अगर आगे ऐसा घुमाते हैं तो एक मॉलिक्यूल अमाइनो एसिड मिलता है। मतलब कि जैसे इसने इंफॉर्मेशन ली, ये क्या करेगा, ये पूरा का पूरा जो राइबोसोम है, जरा ध्यान से समझना अच्छे से, हाँ, ये जो पूरा का पूरा राइबोसोम है, ये पूरा का पूरा जो राइबोसोम है ना, देखो मैं इसको साइड लेता हूं, देखो
ये पूरा का पूरा राइबोसोम जो है ये देखो आगे पीछे ऐसा घूमेगा, अभी देखो ये पूरा राइबोसोम ऐसा ऐसा आगे घूमेगा, ठीक है। देखो तो ऊपर का जो ये पूरा राइबोसोम है, ये देखो ये पूरा राइबोसोम ऐसा आगे घूमना चाहिए, ये अब इसके पास आएगा, फिर इसके पास जाएगा, फिर इसके पास जाएगा, फिर तीन तीन कैसे सेट में जाते जाएगा, फिर इसके पास, फिर ये तीन सेट में, तो मतलब ऐसे अभी इसके पास है। अब अगर ये राइबोसोम अगर इसके पास गया तो इस तरीके से इसके पास आएगा तीन का सेट, फिर इस तीन के सेट के पास, फिर इस तीन के सेट के पास, ऐसे बहुत सारे रहेंगे, सबके पास जाएगा। समझ रहे मेरी बातें, मैं क्या समझाया आपको? मतलब जितना भी हमारा यहाँ पे चीजें दी हुई हैं, जो हमारा यहाँ पे ध्यान दो, जो हमारा पूरा का पूरा टीआरएनए है और जो पूरा राइबोसोम है, वो सब यही लिखी थी उस इंफॉर्मेशन, जब ट्रांसलेशन हो गया तो उसमें यही लिखा था कि किस तरीके से हमारा जो राइबोसोम है एक एक कदम आगे आगे बढ़ेगा। अगर वो एक कदम आगे बढ़ता है तो उसके ऊपर एक अमीनो एसिड मिलता है, एक और बढ़ेगा तो एक और मिलेगा, ऐसे आगे वाले में जाएगा तो एक और आएगा, और आगे वाले में जाएगा तो एक और आएगा, ऐसे और जाएगा तो एक और आएगा, ऐसे और जाएगा तो और आते जाएंगे, आते जाएंगे, आते जाएंगे, सब अमाइनो एसिड है। शुरू में बताया था ना कैसे अमाइनो एसिड से प्रोटीन बनता है, ये सब के सब क्या है, सब के सब अमाइनो एसिड है। और जब हमारे एमआरएनए का अंत आ जाएगा तो ये जो पूरा अमाइनो एसिड बना सब यहां से बाहर निकलेगा और ये बड़ा सा कंपाउंड बनाएगा, और इसी कंपाउंड को हम कहते हैं मैक्रोमोलिक्यूल, मैक्रोमोलिक्यूल जिसका नाम है प्रोटीन, जिसका नाम क्या है, प्रोटीन। क्या नाम है जिसका? नाम प्रोटीन है। यानी कि अमाइनो एसिड छोटे छोटे कंबाइन होके क्या बना दिए, प्रोटीन बना दिए। समझ गया अच्छे से क्या होता है प्रोटीन, समझा? इस तरीके से प्रोटीन बनता है। तो माय डियर, फिर ट्रांसलोकेशन क्या था? ट्रांसलेशन तो समझ गया कि एंटीकोडॉन ने इंफॉर्मेशन को ट्रांसलेट कर लिया। ट्रांसक्रिप्शन क्या था? कि डीएनए से आरएनए ने इंफॉर्मेशन ले ली थी, जाके ट्रांसक्रिप्ट कर लिया था, छाप लिया था इंफॉर्मेशन को, इंफॉर्मेशन को छाप लिया, बाद में टीआरएनए ने उसको ट्रांसलेट कर दिया। अब हमारे पास यहाँ पे राइबोसोमल आरएनए, यानी कि जो राइबोसोम है ये भी तो राइबोसोमल आरएनए ही है। जब ट्रांसलेट किया तो पता चला कि राइबोसोम को एक बार मूव करना है, यानी लोकेशन को चेंज करना है, जिसे हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन। आई होप आपको अब क्लियर हो गया होगा, इतना अच्छे से बताया ना मैंने, ध्यान से सुने रहोगे ना, बहुत समझा होगा। तो ट्रांसलोकेशन यानी कि जब हमारा आरएनए राइबोसोमल आरएनए यानी आरआरएनए ऐसे ऐसे मूव करेगा, जस्ट इट विल ट्रांसलोकेट फ्रॉम देयर पोजिशन। तो ये ट्रांसलोकेट होगा एक एक पोजिशन से, इसी प्रोसेस को ट्रांसलोकेशन कहते हैं। और जितने बार ट्रांसलोकेट होगा उतने बार हमें अमाइनो एसिड मिलेगा। और इस तरीके से जब छोटे छोटे बहुत सारे अमाइनो एसिड एक साथ कंबाइन होते हैं, एक साथ छोटे छोटे बहुत सारे अमाइनो एसिड कंबाइन होते हैं, तो हमें मिलता है एक बड़ा सा मॉलिक्यूल, जिसे हम कहते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल। मैक्रो मतलब बड़ा, मॉलिक्यूल्स मतलब छोटे छोटे अणु, मॉलिक्यूल यानी कि, तो मैक्रो मॉलिक्यूल उसी को हम कहते हैं प्रोटीन। और जैसे हमारी बॉडी में प्रोटीन बनेगा तो हमें मिलती है एनर्जी, और हम मस्त बन जाते हैं, ताकतवर इंसान। समझ में आया? इस तरीके से हमारी बॉडी में होता है प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये सब था माय डियर हमारा ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन। तो ट्रांसक्रिप्शन में क्या था, समरी दिखाता हूं। डीएनए से आरएनए बना था, समझा कि नहीं समझा? डीएनए से आरएनए फॉर द पर्पस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, समझा? ये बात याद रखना, यानी डीएनए से आरएनए ने सारी जानकारियां इंफॉर्मेशन दे दी थी यानी कोडॉन्स को। देन ट्रांसलेशन में क्या हुआ, जो भी हमारे पास एमआरएनए था यानी आरएनए का ही एक टाइप जो एमआरएनए था, उसने सारी जानकारियों को टीआरएनए ने क्या कर लिया, अपने पास कॉपी कर लिया विद द हेल्प ऑफ एंटीकोडॉन्स। और जैसे ही ट्रांसलेशन हो गया तो ट्रांसलोकेशन ने किसका इस्तेमाल किया, राइबोसोमल आरएनए का। और उसने क्या किया, जस्ट राइबोसोमल आरएनए ने मूवमेंट किया, यानी अपने लोकेशन को चेंज किया, मूवमेंट। और जैसे ही इसने मूवमेंट किया तो हमें क्या मिला, अमाइनो एसिड मिला। क्या मिला हमें, अमाइनो एसिड मिला। और यही अमाइनो एसिड कंबाइन होके, यही अमाइनो एसिड हमें कंबाइन होके क्या मिले, हमें यही अमाइनो एसिड कंबाइन होके हमें क्या दिया, हमें प्रोटीन दिया, जो कि अपने आप में एक बड़ा सा पॉलीपेप्टाइड मॉलिक्यूल होता है। समझ में आ गई मेरी बातें? समझ गया क्या होता है ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन? बहुत मेहनत किया आप लोग के लिए, बहुत अच्छे से आपको समझाया है मैंने। मजा आया कि नहीं आया, बस इतना कमेंट बॉक्स में एक बार बताना, ईच एंड एवरीथिंग आपको समझाया है मैंने, ठीक है। अब चलो ये सब तो आपको समझ गया, अब देखो आपको सारी चीजें, देखो ये जो मैंने बताया था ना, देखो इस तरीके से कुछ रहता है, देखो यही है हमारा टीआरएनए। और आपको समझाओ, देखो अभी तीन तीन में आके फिट हो जाएगा, अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट और नॉट, तीनों में आके फिट होगा। और ये टीआरएनए जो है ये फिट होगा, देखो बाद में एक मॉलिक्यूल मिला कि नहीं मिला, दिस इज द लाइसिन, यानी कि प्रोटीन है ये, प्रोटीन है, लाइसिन एक प्रोटीन होता है, प्रोटीन बन गया कि नहीं बन गया, ये प्रोटीन है, समझा? तो ये हमारा अमाइनो एसिड है,
अमाइनो एसिड से ही प्रोटीन बनता है ना, सारे अमाइनो एसिड ही प्रोटीन कहलाएंगे ना, एक ही बात है ना, समझा। तो इस तरीके से जैसे जैसे ये हमारा पूरा का पूरा जो ये देखो, ये पूरा का पूरा जो राइबोसोम, ये पूरा का पूरा राइबोसोम मूव करेगा, अभी यहां पे आएगा, फिर यहां पे आएगा, फिर यहां पे आएगा, फिर यहां पे आएगा, फिर ऐसे ऐसे आगे जाते जाएगा, समझ रहे हैं। और ऐसे मूव करते करते जितने बार मूव करेगा उतने बार हमको ये जो यहाँ पे है ना, ये हमको जो यहाँ पे मॉलिक्यूल है वो मैक्रो मॉलिक्यूल हमको मिलते जाएगा, और इस तरीके से हमारे बॉडी में फॉर्मेशन होते जाएगा प्रोटीन का, समझ गया। तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ कर रखनी थी। चलो अब देखो आपको एक नया कॉन्सेप्ट, लास्ट टॉपिक है हमारा आज के टॉपिक का म्यूटेशन, और उसके बाद हमारा टॉपिक खत्म, फिर हमारा आसान टॉपिक आएगा इवोल्यूशन, वो तो बहुत आसान है, म्यूटेशन अभी हम लोग समझते हैं, बहुत ज्यादा जरूरी है समझना। देखो म्यूटेशन का शॉर्ट आपको बताता हूं, इट इज द सडन चेंजेस ऑकरिंग इन जीन। व्हाट इज जीन, आपको बताया था ना कल ही, जीन क्या होता है, इस तरीके से हमारा क्या रहता है, डीएनए होता है। व्हाट इज दिस, दिस इज द डीएनए, और डीएनए के अंदर क्या होते हैं, स्ट्रैंड होते हैं, डीएनए के अंदर क्या होते हैं, स्ट्रैंड होते हैं। ये डीएनए का छोटा सा कोई भी एक सेगमेंट वही हमारा क्या कहलाता है, जीन कहलाता है। अब देखो अगर हमारे बॉडी के अंदर जो जीन होते हैं ये क्या कैरी करते हैं, इंफॉर्मेशन, आपको सिखाया था ना स्टार्टिंग में। तो अगर ये सारी जो जानकारियां हैं, जो सारी इंफॉर्मेशन है, अगर ये सारी इंफॉर्मेशन यानी कि जानकारियां बराबर है तो हमारी बॉडी अच्छे से बनती है। अगर ये सारी जानकारियां अच्छी नहीं है, जेनेटिक कैरेक्टर्स, पेरेंट्स से जब चिल्ड्रन में जानकारियां आ रही थी, जेनेटिक इंफॉर्मेशन आ रही थी, अगर कुछ गड़बड़ी हो गई तो क्या होता है हमें, तो हमें हो जाता है जेनेटिक डिसऑर्डर्स। क्या हमें होता है, जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो जाता है, समझ गया। ये हमें क्या हो जाएगा, यहां पे जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो जाएगा। तो माय डियर ये कब होगा, जब जीन्स में ना कुछ बदलाव आ जाएंगे, जब कुछ ना कुछ जीन्स में चेंजेस आ जाएंगे। अच्छा अब आप ही बताइए, हमारा डीएनए था, मतलब कि इसका अगर छोटा सा सेगमेंट लूं तो कुछ इस तरीके से ही दिखाई देगा ना, एमआरएनए जैसा यही रहेगा ना, ये हमारा जीन्स ही है ना, सेगमेंट है, एक ऊपर से भी बना दो, इतना ही बनाना है तो एक ऊपर से भी बना दो, ये लो खत्म कहानी। ये ऊपर के कोडॉन देखो दोनों मिल गए, इस तरीके से मिले हुए होते हैं, आप बारहवीं में और डीप में पढ़ोगे इन्हें, खत्म। तो ये जीन ही हुआ ना, तो जीन्स में जो कोडॉन से अंदर इनमें सडन चेंजेस आ जाना, यानी जीन्स में सडन अचानक से कोई बदलाव आ जाना, और इसी बदलाव की वजह से जो भी हमारे बॉडी में कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं, इसी को हम कहते हैं म्यूटेशन, समझा। ये कैसे होता है, ध्यान दो अच्छे से जरा, ये हमारा देखो मेन सीक्वेंस है, यानी कि जो न्यूक्लियोटाइड है सीक्वेंस में रहती हैं, और किसके अंदर, जैसे कि देखो ये हमारा क्या हो गया, स्ट्रैंड हो गया, और ये हमारा क्या है, ये हमारा न्यूक्लियोटाइड है जो इंफॉर्मेशन रखता है, जिसे आप फिलहाल कोड भी कह सकते हो, ये कोडॉन भी कह सकते हो, समझ गए। जैसे देखो ये थायमिन, टी मीन्स थायमिन, ए मीन्स एडेनिन, ये एडेनिन, ये साइटोसिन, ये टी थायमिन, गुआनिन, साइटोसिन, एडेनिन, गुआनिन, गुआनिन, थायमिन, ऐसे रहता है सबके साथ, समझा कि नहीं समझा। तो अब देखो क्या होता है ना, कि अगर देखो ये छोटा सा एक पार्ट है, ये जो छोटा सा एक पार्ट है, ये देखो यहाँ पे ऐसे छोटा सा पार्ट था, इस पार्ट को अगर हम बदल दें, देखो पहले यहाँ पे क्या था, टी था, जी था, सी था, देखो टी सी टी जी सी चला गया, एक भी इधर से उधर हुआ ना, हमारी बॉडी बदल जाती है, सोच लो अच्छे से। तो देखो यहाँ पे पहले टी जी सी था, अब देखो यहाँ पे जी ए टी आ गया, लफड़ा हो गया ना, रिप्लेसमेंट हो गया कि नहीं हो गया, सडन चेंजेस इन दी जीन्स हो गया कि नहीं हो गया, ये पूरा सीक्वेंस ही जीन्स था, ये जीन में कुछ ना कुछ बदलाव हो गए कि नहीं हो गए, हुआ कि नहीं हुआ जीन्स में बदलाव। तो ये जो जीन है इसमें सडन चेंज हो गया, अब पहले जो टीजीसी था लाइन से सीक्वेंस, तो जब ये था तो हमारी बॉडी कुछ और रही होगी, अब थोड़ा सा भी चेंज हो गया ना तो पूरी बॉडी बदल जाएगी, इसमें अब इतना बदलाव आया तो मतलब कुछ ना कुछ तो चेंजेस हुआ रहेगा ना, है ना। तो अब जो चेंजेस हुआ है ना, ये म्यूटेशन को कॉज करता है, यानी कि हमारे अंदर जेनेटिक डिसऑर्डर कॉज करता है, समझ गया। लाइक हमको एल्बिनिज्म हो जाएगा, क्लाइन फिल्टर डिसीज हो जाएगी, या फिर हमको एल्बिनिज्म के साथ सिकल सेल एनीमिया हो जाएगा, फिर हमको या तो फिर हमको आईज की कुछ ना कुछ इश्यू हो जाएगी, समझ रहे ना, मतलब कि कलर ब्लाइंडनेस हो जाएगा। तो ये सब जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, ये सब हो सकता है, इसी की वजह से होता है। सो व्हाट इज, किसी ने पूछा व्हाट इज म्यूटेशन, तो क्या बताओगे, इट इज द सडन चेंजेस ऑकरिंग इन जीन्स, जीन्स का जो सीक्वेंस था उसमें कुछ बदलाव आ जाता है, उसके जगह में कोई रिप्लेसमेंट हो जाता है, उसी को कहते हैं हम, क्या कहते हैं, म्यूटेशन, समझ गया। तो ये था गाइस हमारा पूरा का पूरा जो बेसिक कॉन्सेप्ट था। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो माई डियर, अगर आप चाहो तो मुझे यहाँ पर फॉलो कर सकते हो, मतलब इंक्वायरी ले लो, इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो अगर करना चाहो तो, ठीक है। सो मिलेंगे अब ऐसे ही अगले वाले चैप्टर में, जिसमें हम पढ़ेंगे इवोल्यूशन के बारे में। तो ये टॉपिक जितने बार रहेगा ना उतने बार रिवाइज कर लेना,
बहुत फायदे में रहोगी। समझ गया अच्छे से? सो मिलेंगे अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।